हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रूल्स ऑफ द प्रीपोजिशन पार्ट 12 में कुछ ऐसे शब्दों के विषय में अध्ययन करेंगे जिनके बाद एक निश्चित प्रकार का प्रीपोजिशन यूज होता है। वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, शब्द जिनके पास इनके बाद में एक उचित प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला है लायल टू। लायल टू का मतलब वफादार होना, समर्पित होना। वी शुड बी लायल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए अथवा वफादार या सच्चा रहना चाहिए। We should be loyal to our country, हमें अपने देश के प्रति loyal होना चाहिए, मतलब सच्चा रहना चाहिए, वफादार होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। दूसरा married to, विवाह करना। She was married to a doctor's son, उसकी शादी डॉक्टर के पुत्र से हुई थी। She was married to a doctor's son। Match for, जोड़ा। She is no match for him, वह उसके जोड़े लायक नहीं है। She is no match for him, उसका उससे कोई जोड़ा नहीं है। नंबर चार made of, बना हुआ या बनी हुई। My ring is made of gold, my ring is made of gold। Mad with, से पागल। Mad with, से पागल। She was mad with anger, वह गुस्से से पागल हो गई। At his behavior, उसके व्यवहार। She was mad with anger, वह गुस्से से पागल हो गई। At his behavior, उसके व्यवहार पर। Obedient to, आज्ञाकारी। Obedient to, आज्ञाकारी। Children should be obedient to their parents, बच्चों को अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। Children should be obedient, बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए। To their parents, अपने माता पिता के प्रति। नंबर सात obliged to या पा, कृतज्ञ। Obliged to या पा, कृतज्ञ। कांति इज ओब्लाइज्ड, कांति कृतज्ञ है। टू यू, तुम्हारे। फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारे दयालुता के लिए। कांति इज ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस, कांति तुम्हारी दयालुता के लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञ है। नंबर आठ अपोजिट टू, विपरीत। हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर उसके स्कूल के विपरीत है। टू ही द कॉलेज। नंबर नौ पार्ट विथ, बिछोड़ना, वस्तु से बिछोड़ना। पार्ट विथ, वस्तु से बिछोड़ना। ही कैन नॉट पार्ट विथ हिज मनी, ही कैन नॉट पार्ट विथ हिज मनी, वह अपने धन से अलग नहीं हो सकता, बिछुड़ नहीं सकता। पार्ट फ्रॉम, बिछुड़ना व्यक्ति से, व्यक्ति से अलग होना, बिछुड़ जाना। वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हम अपने मित्रों से अलग हो गए, बिछुड़ गए। दिस मॉर्निंग, आज सुबह। वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हम अपने मित्रों से अलग हो गए दिस मॉर्निंग। नंबर 11 प्राइड इन, घमंड। ही हैज प्राइड इन हिज वेल्थ, उसे अपने धन का घमंड है। हिज प्राइड इन हिज हेल्थ, उसे अपने धन का घमंड है। प्राउड ऑफ, घमंडी या अहंकार होना। कितना ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपना धन का घमंड है। इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। नंबर 13 प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना।
माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी, मेरे मित्र ने मुझे रोका फ्रॉम प्लेइंग विथ बैड बॉयज, खराब लड़कों के साथ खेलना। माई फ्रेंड, मेरा मित्र प्रिवेंटेड मी, मुझे रोका फ्रॉम प्लेइंग विथ बैड बॉयज, खराब लड़कों से के साथ खेलने से। प्रिवेंट के बाद काम आता है। नंबर 14, पार्टियल टू निष्पक्ष, पार्टियल टू पक्षपात होना, इम्पार्टियल निष्पक्ष होना, यानी पार्टियल टू पक्षपात करने वाला। दिस जज, यह न्यायाधीश, इज पार्टियल टू हिज क्लर्क्स, वो अपने क्लर्क के प्रति, लिपिकों के प्रति पक्षपात करता है। दिस जज इज पार्टियल टू हिज क्लर्क। नंबर 15, प्लंग्ड इन टू डूब गया। द बॉय प्लंग्ड इन टू द रिवर, लड़का नदी में कूद गया। द बॉय प्लंग्ड इन टू द रिवर। नंबर 16, प्लीज विथ प्रसन्न, ही इज प्लीज विथ मी। नंबर 17, प्रीफर टू अधिक पसंद करना। सुरेश प्रीफर्स मिल्क टू टी। सुरेश चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद करता है। क्वालिफाइड फॉर, योग्य, नरेश इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। क्वारल विथ झगड़ा करना वह भी व्यक्ति से। We should not quarrel with our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्वारल ओवर, वस्तु के लिए झगड़ा करना, है ना, क्वारल ओवर वस्तु के लिए झगड़ा करना। We should not quarrel over petty things, मामूली छोटी छोटी चीजें, हमें छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना नहीं चाहिए। We should not quarrel over petty things. Recover from, आराम पाना, स्वस्थ होना। The teacher has recovered from his illness. अध्यापक अपनी बीमारी से आराम पा गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। The teacher has recovered from his illness. बीमारी से, related to, संबंधित, जुड़ा हुआ। इज रिलेटेड टू मी, वो मुझसे संबंधित है, मुझसे जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू। रिलाई ऑन, विश्वास करना, निर्भर रहना। यू शुड नॉट रिलाई ऑन किरण, तुम्हें किरण पर विश्वास नहीं करना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन किरण। 24, रिसोर्ट टू सहारा लेना। स्टूडेंट्स शुड नॉट रिसोर्ट टू अनफेयर, विद्यार्थियों को सहारा नहीं लेना चाहिए किसका। टू अनफेयर मीन्स अनुचित संसाधनों का, मीन्स संसाधन इन द एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी इस तरह से आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जिनके पीछे एक निश्चित प्रकार का प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है।